तो हेलो गाइज, हम बना रहे हैं बेसन के लड्डू। देखिए, मैंने बेसन यहाँ भूनने के लिए रख दिया। 2 कटोरी बेसन था और 2 बड़े चम्मच अभी मैंने देसी घी डाला है। इसे अच्छी तरह मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। देखिए, भूनते भूनते थोड़ा सा घी हमने 1 बड़ा चम्मच और डाला। और देखिए, अब ये जैसे हम भून रहे हैं वैसे वैसे घी छोड़ रहा है। लगभग हमें इसे भूनने में 15 से 20 मिनट लगे। देखिए, ये अच्छी तरह इसने घी छोड़ दिया। देखिए, पहले इस कलर का था बेसन, अब भून चुका है ये अच्छी तरीके से। हम इसे 1-2 मिनट और भूनेंगे जब तक कि ये अच्छी तरह ब्राउन ना हो जाए, खुशबू ना लगे। यहाँ ले लिए हमने खरबूजे की गिरी। आप चाहें तो अलग से इन्हें भून कर मिक्स कर सकते हैं। मैं यहाँ गर्म बेसन में ही डाल रही हूँ और इन्हें लगभग 30 सेकेंड या 30 से 50 सेकेंड तक गैस के साथ, गैस जलते हुए इन्हें भूनेंगे साथ ही, और फिर अपनी फ्लेम को कर देंगे हम ऑफ। देखिए, यहाँ ये खरबूजे की गिरी भी इसमें ही भुन गई है। अब चलिए, बेसन अच्छी तरह भुन चुका है, उसने घी भी छोड़ दिया है। अब इसे बिल्कुल हम ठंडा कर लेंगे। जब तक कि ये ठंडा ना हो जाए, हम इसमें बूरा चीनी कुछ नहीं मिलाएंगे। अब इसे बिल्कुल रूम टेम्परेचर लेंगे। देखिए, ये ठंडा हो गया, हमने इसमें इलायची दाना डाल दिया है। अब यहाँ मैं देखिए देसी खांड डाल रही हूँ 2 कटोरी। आप यहाँ चीनी भी पीस कर डाल सकते हैं। 2 कटोरी चीनी डालेंगे हम, 1.5 कटोरी, 2 कटोरी बेसन में। आप मीठा अपने अनुसार भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छी तरीके से हम कर लेंगे मिक्स। ये देखिए, बढ़िया से हमारे दिवाली के लड्डू बनकर तैयार होंगे। हमें तो बेसन के लड्डू बहुत ही पसंद है खाना, तो इसलिए मैंने फटाफट बनाए बेसन के लड्डू। अब बस हम इन्हें फटाफट रोल कर लेते हैं। ये देखिए, एकदम बढ़िया लड्डू बनकर तैयार है। अगर आपको कभी अपना बेसन ड्राई लगे, इस समय लड्डू बनाते हुए थोड़ा सा घी गरम कर कर डाल लें, और मीठा आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ हमारे बेसन के लड्डू बनकर तैयार है। हैप्पी दिवाली गाइस। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट।